हेलो दर्शकों, मैं हर्षा गुंडला बेल्जो टीवी की तरफ से आपके सामने हाजिर हूँ हमारे बेल्जो टीवी के रियलिटी शो के लिए। एक नए कंटेस्टेंट हमारे स्टूडियो में पधारे हैं, तो सर जी आपका छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। धन्यवाद हर्षा। ओके, नमस्कार बेल्जो के दर्शक। नमस्कार और नमस्कार बेल्जो टीवी। मेरा नाम डॉक्टर माधव पाक है। मैं एक मेडिकल स्पेशलिस्ट साइकियाट्रिस्ट मनोविकार तज्ञ हूं और आज मैं इधर आया हूं जी एक ही चीज से, जो कंसेप्ट है ड्रीम जी। ड्रीम हां, उसके लिए। और मैं सपने तो बहुत है मेरे पास, लेकिन ये जो सपना है वो मेरे सपने में एक सपना है। हां, आप सुनो। सैटरडे था, मैं प्रैक्टिस से आया था, थका हुआ था, थोड़ा जल्दी सो गया। ओके, और बस मैं मेरे मर्सिडीज निकाली और शहर से बाहर चलने लगा। ये शहर कौन सा था मुझे पहले मालूम नहीं था, लेकिन मैंने ऐसा देखा कि कुछ कोडैक वेलकम शो, मुझे पता चला कोडैक था। खैर, मैं जाते रहा, मुझे एक रास्ते से आदमी आते हुए दिखा। मैंने गाड़ी रुकाई, उसको बोला कि इधर मुझे कुछ पीने को चाय मिल सकती है क्या। उसने मेरे आंखों में आंखें डाला और उधर के उधर वो पत्थर हो गया। ओ, सपने में। सपने में, लेकिन भले सपने में होगा तो मेरे लिए वो असली था, सत्य था। मैं थोड़ा चौंक गया। ओके, कि आदमी पत्थर हो गया, आदमी यानी मृत हो गया। ओ, तो फिर मैं सोचा कि अभी मैं क्या करूं, इधर रुक के फायदा नहीं। मैं आगे चला, आगे गया और एक दूर से प्रासाद नजर में आ गया। प्रासाद यानी कैसल, राजवाड़ा। तो मैं उधर गया, गेट तो बड़ा था, कोई अंदर नहीं था। मैंने गेट खोला, अंदर गया तो बड़ा दरवाजा था। मैं बोला अभी कोई तो अंदर से आ जाएगा। नहीं, तो दरवाजे में कुछ अक्षर आने लगे। अच्छा, चिन्ह, मुझे कुछ सिम्बॉल समझ में नहीं आता। अचानक वो सिम्बॉल्स बात करने लगे कि आपका स्वागत है, आप अंदर जाओ। मैंने दरवाजा खोल दिया, अक्षर इधर बात कर रहे थे, शब्द स्वर बन गए थे, काफी विचित्र था, काफी इंटरेस्टिंग। अंदर गया, अंदर देखता हूँ, मुझे लगा कुछ सोफा होगा, चेयर होगी, ये वगैरह। तो मैं देख रहा हूँ तो सब अंदर कुछ फल कुछ फूल तैर रहे थे। अच्छा, तो अभी मुझे लगा कि क्या है ये, फूल तैर रहे, फल तैर रहे। क्योंकि हमें लगता है कि दुनिया एकदम आसान है या दुनिया एकदम ये है, लेकिन हम हमारे बारे में सोचते हैं तो हमें बोझ लगता है। तो शायद ऐसा मुझे मन से प्रतीत हुआ होगा कि ये सब चीजें तो आसान है सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दुनिया शायद दूसरी होती है, इसलिए उधर गुरुत्वाकर्षण नहीं था और मेरे ऊपर असर था। खैर, ऐसा मैं बाहर आ गया क्योंकि मुझे एकदम अजीब सा लगा, अजीब था एकदम अनुभव। बाहर आ गया, चलने लगा तो कुछ विशेष रूप से कुछ होने लगा। जैसे कि एक बिल्ली जा रही थी रास्ते से, तो वो दौड़ने लगी और दौड़ते दौड़ते वो एक ऐसा फूल हो गई और हवा में उड़ने लगी। तो मेरे लिए एक ये सब कुछ जैसा पॉटर गाय माया और सबको जादू ऐसा था। मैं बोला मैं क्या समझू इसको, अक्षर स्वर बन गए, एक जिंदा इंसान पत्थर बन गया, इधर एक बिल्ली फूल हो गया और हवा में उड़ने लगा। मैं बोला एक कोडैक शर्ट तो कुछ अलग ही है, सपनों का सौदागर नहीं है, सपनों का आगार है। खैर, मैं तो सपनों का विद्यार्थी हूँ, सौदागर नहीं हूँ। खैर, मैं आगे गया तो एक बेंच पे एक औरत बैठी थी और वो बैठ के कुछ किताब पढ़ रही थी। मैं बाजू जगह के बैठा, मैंने उससे कुछ बात नहीं की। तो मुझे एक दो मिनट के बाद एक छोटी सी आवाज आ गई सुनने, डॉक्टर अंकल। मैंने इधर देखा उधर देखा, फिर बाद में मैंने ऐसा करके देखा कि तो कुछ भास तो नहीं हो रहा है ना। नहीं। अच्छा, मैंने थोड़ा कान लगाया किधर से आवाज आ रही, देखा तो उस औरत से आवाज आ रही थी, लेकिन औरत तो किताब पढ़ रही थी। तो मुझे समझ में आ गया वो गर्भवती थी, कुछ तो उधर से, और वो आवाज ही मुझे बोला कि मैं मम्मी का बेटा हूँ और आपसे अंकल बात कर रहा हूँ।
एकदम अजूबा, तो उसने मुझे एक सवाल पूछा, देखो अंकल ये दुनिया खराब है, ये दुनिया में पाप है, इस दुनिया में वायलेंस है, इस दुनिया में कुछ नहीं जैसा पुराने वक्त पे यानी ये था, एक जब मानव की ईश्वर ने निर्मित की, जब जो स्वर्ग था, अब ये सब ये है, तो इस दुनिया में मैं आऊं या न आऊं, ये बेटा का सवाल था। आई सी, तो दर्शकों माधव पखारे जी ने अपना एक अजीब सा सपना आप लोगों के सामने पेश किया। इसी प्रकार के आपके पास भी कोई अच्छे अनजान इनक्रेडिबल सपने है तो जरूर बेल्जो टीवी का कांटेक्ट कीजिए। किस प्रकार? बेल्जो टीवी के एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कीजिए और ads.segula@gmail.com पर मैसेज भी कर सकते हो, या फिर मेरा ईमेल आईडी भी है harshagundala@gmail.com।